नमस्ते दोस्तों, हो मैं हूँ देवीदास और मेरे चैनल का नाम है देवीदास ठवरे स्टूडियो। दोस्तों, इस वीडियो का विषय है रेल कर्मचारी ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करें, वो भी अपने ही मोबाइल से, जो सैलरीड पर्सन है रेल कर्मचारियों के लिए। दोस्तों, मैं वीडियो बना रहा हूँ और रेल कर्मचारियों के अलावा जो जो सैलरीड पर्सन है ITR 1 जो भरते हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। आपको क्या करना है, यहाँ पर गूगल क्रोम में चले जाना है और आपको सर्च करना है इनकम टैक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे इनकम टैक्स आप सर्च करते हो तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन देखने को मिलता है इनकम टैक्स ई फाइलिंग, और इसका जो वेबसाइट है www.incometax.gov.in पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे बताता हूँ। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी लिखा हुआ है नीचे में। ठीक है, या थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा है, जो लोगो दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है। ये जो इनकम टैक्स रिटर्न का जो सिंबल दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सिंबल देख के क्लिक कर देना है, जो पहला ही ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको इस तरह का पेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ऊपर में ये एक सर्कल दिख रहा है और यहाँ पर जो लॉगिन का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों दो चीज़ें दिख रही हैं आपको, एक तो रजिस्टर और एक लॉगिन। अगर आपने पहले से भर रखा हो, आपका आधार पैन लिंक हो और तो आपको ID पासवर्ड पहले से रेडी हो तो आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। यदि आपने पहले रजिस्टर ने मतलब इसके पहले कभी लॉगिन नहीं किया हो और आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, वहाँ पर सब आपको जानकारी देनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं थोड़ा यहाँ पर थोड़ा फास्ट बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी लगेगी, बैंक अकाउंट लगेगा और आपका पैन और आधार भी लगेगा, और साथ में पैन आधार के जो लिंक है मोबाइल नंबर वो भी यहाँ पर लगेगा, फुल एड्रेस के साथ में रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, अभी हमारे पास पहले से आधार और पैन जो लिंक है और हमने पहले से ही इसको लॉगिन कर रखा है, हमारे पास आईडी पासवर्ड पहले से ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो के साथ में कुछ मैं टिप्स देने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान में रखें। ठीक है, और ये जो ITR का जो वीडियो है थोड़ा लंबा रहता है, इसको आप पेशेंस से सुन ले तो ही आप ITR भरना सीख पाओगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने पैन डाल दिया है और यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने पैन यानी ये ID होती है दोस्तों, यहाँ पर मैंने डाल दिया, लॉगिन के लिए ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर मैं अभी पासवर्ड डालूँगा। पासवर्ड डालने के लिए यहाँ पे जो स्क्वायर है इसके ऊपर आपको राइट क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डाल दिया हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर लॉगिन हो गया हूँ। ठीक है, मैं अभी ये मोबाइल वर्जन से मैं आपको दिखा रहा हूँ सर। ठीक है, अभी यहाँ पे जो स्क्रॉल नीचे से ऊपर की ओर जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर फाइल नाउ का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा उंगली से आपको ऊपर नीचे स्क्रॉल करते रहना है। ठीक है, तभी आप भर पाओगे, अदरवाइज आपको ऑप्शन दिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न ITR दिख रहा है, दे रहा है, सिलेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और 2023-24 करंट असेसमेंट ईयर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में ऑफलाइन ऑनलाइन के ऊपर जो मोड है, तो हम लोग ऑनलाइन भर रहे हैं इसलिए ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दो चीज़ें दिखाई देती है, रेज्यूम फाइल और स्टार्ट ई फाइलिंग। दोस्तों, यदि आपने पहले से भर रखा है और फिलअप कर रखा है तो रेज्यूम फाइलिंग के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। यदि आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो, पहली बार भर रहे हो, तो आप न्यू स्टार्टिंग के ऊपर कर दीजिए। दोस्तों, मैंने पहले से तो भर रखा है लेकिन ये वीडियो के लिए मैं स्टार्ट न्यू के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा ऊपर से नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर इंडिविजुअल जो सैलरीड पर्सन रहते हैं वो इंडिविजुअल कहलाते हैं ITR 1 के लिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे पहले से सिलेक्ट आया, अगर नहीं आया तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल के ऊपर टिक लगा दीजिए, क्लिक कर दीजिए, सिलेक्ट हो जाएगा और ये कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है,
यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखने को मिल जाएंगे, जो ये जो प्रोसीड है, जो प्रोसीड और नीचे है सिलेक्ट आईटीआर फॉर्म। तो दोस्तों ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है, नीचे में जो सिलेक्ट आईटीआर फॉर्म लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है आईटीआर वन, और यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है आईटीआर वन, ठीक है। फिर नीचे से ऊपर की ओर स्क्रॉल कर देना प्रोसीड विथ आईटीआर वन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों ये जो हम लोग आईटीआर भर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 का है, ठीक है। यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा ऊपर नीचे जैसे कि मैं बता रहा हूँ स्क्रॉल करते रहना है। यहाँ पर आर यू फिलिंग इन इनकम टैक्स रिटर्न एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स लिखा हुआ है, तो दोस्तों हम इसलिए भर रहे हैं कि हमारी जो एग्जाम लिमिट है 2.5 लाख के ऊपर है चली गई है हमारी इनकम, इसलिए हम लोग ये इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह का पॉपअप आता है, आपको थोड़ा सा नीचे से ऊपर की ओर स्क्रॉल कर देना है और यहाँ ओके कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर फिर लेट्स वैलिडेट योर प्री रिटर्न ऐसा लिखा आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर कुछ टैब है, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो दोस्तों यहाँ पर 5 टैब जो है पूरे कंप्लीट करने होते हैं। जैसे ये कंप्लीट होगा तभी दूसरा ऑप्शन खुल जाएगा, जब तक आप पूरे पहले को कंप्लीट नहीं करोगे तब तक दूसरे ऑप्शन के ऊपर नहीं जा सकते। जैसा कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब है, जब इसको मैं कंप्लीट नहीं करूँगा तब तक मैं ग्रॉस टोटल इनकम जो लिखा हुआ है इस टैब के ऊपर नहीं जा सकता, और जब तक मैं ग्रॉस टोटल इनकम को कंप्लीट नहीं करूँगा तब तक मैं ये डिडक्शन के ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। तो मैं पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमारी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है। मैं फिर नीचे से ऊपर की ओर स्क्रॉल करना हूँ, यहाँ पर पूरी जानकारी आपको चेक कर देना है, पूरा एड्रेस है, ईमेल आईडी है, चाहे आपका फ़ोन नंबर है, टोटल चेक कर लेना है। और यहाँ पर जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आता है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है या आप स्टेट गवर्नमेंट है या आप पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग में आते हैं, जो भी आपके लिए ऑप्शनल होगा, पेंशनर है, अदर्स है, ठीक है, इस यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अभी मैं ये रेलवे एम्प्लॉई है, सैलरीड पर्सन वन, गवर्नमेंट सर्वेंट होने के कारण, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट होने के कारण मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 139(1), ये क्या है, बिफोर ड्यू डेट के पहले भर रहे हैं हम लोग, इसलिए ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट आ गया है। फिर यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, और नीचे से ऊपर की ओर स्क्रॉल करते जाना है, यहाँ पर आपको रुक जाना है। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115(BAC). तो दोस्तों यहाँ थोड़ा रुक जाना है, समझ जाना है, ठीक है। इसी के ऊपर आप कौन से टैक्स प्रीफिल करोगे इसके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों जो क्या है, जो पुराना जो टैक्स है, मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जो पुराना टैक्स, यदि ये कह रहा है कि आप न्यू टैक्स स्लैब में जाना चाहते हो या पुराने में, यहाँ पर अगर हम पुराने में रहना चाहते, नए में नहीं जाना चाहते तो आप नो कर दीजिए, ठीक है। लेकिन नए में आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, कुछ डिडक्शन मिलेंगे, ठीक है, तो वो आपको कैलकुलेशन करके देख लेना है डिडक्शन के साथ में। लेकिन यदि आप न्यू टैक्स अभी स्लैब में जाते हो और यहाँ पर एस कर देते हो तो आपको कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। 80CD2 के अलावा आपको कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, और जो आपको फाइनल इनकम सैलरी आएगी उसी के ऊपर सीधा टैक्स लगेगा, ठीक है। जो लगभग 10-15 लाख के ऊपर जिनकी इनकम है उनको ये जो नया स्लैब है वो फ़ायदेमंद होता है, मैंने एक दो लोगों का देखा है, ठीक है। तो आप भी इसको पहले तो आपको कायमे फ़ायदा पड़ेगा, आप दोनों को ट्राई कर सकते हो। यदि आपके ऊपर रिफंड निकल रहा है, मतलब आपको पे करना पड़ रहा है यदि आप पुराने टैक्स स्लैब में जाते हो, तो आप नए में भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं दोस्तों मैंने यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स है, मैंने यस आर नो क्लिक करने के पहले आपको सोचना है, मैं पहले में जाना चाहता हूँ या पुराने स्लैब में रहना चाहता हूँ या
नए में जाना चाहता हूँ। कुछ लोगों को पुराने में फ़ायदा है, कुछ लोगों को नए में भी फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कर दी, क्लियर कर दी है। तो इसलिए मैं पुराने में टैक्स स्लैब से भरूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर नो कर दिया, नए से नहीं भरूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका बैंक डिटेल आएगा और यहाँ पर आपको रिफंड के लिए यहाँ पर सिलेक्ट फॉर रिफंड के लिए यहाँ पर सिलेक्ट कर देना, सिलेक्ट ऐसा रहता है और इसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, ये टैब हो गया कंप्लीट और आपको नीचे चले जाना है और यहाँ पर कन्फर्म कर देना है। ठीक है, अब हम लोग फिर ऊपर से नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर हम लोग अभी आ गए हैं, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, पहला टैब हमारा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ डिडक्शन हमको देने हैं, जैसे कि है मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यदि हमारे पास है तो हम लोग यस करेंगे, अदरवाइज नो करते जाएंगे। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए दोस्तों हमको 1200, दो बच्चे के लिए, एक बच्चे के लिए 1200 और दो बच्चों के लिए 2400 मिलता है। यदि आपके पास है तो यहाँ पर यस कर दीजिए। और आपके पास आप जो इनकम टैक्स का जो फॉर्म है रिटर्न का है उसमें देखना, एक बच्चे के लिए 1200 लिखेगा और दो बच्चों के लिए 2400। तो मैं यहाँ पर दो बच्चों का है इसलिए यहाँ पर 2400 डिडक्शन डाल दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे हाउस रेंट नो डाल दूंगा। जो दोस्तों मेरे लिए जो लागू होता है मैं उसको यस करूँगा, आपके लिए जो लागू होता है वो आप यस आर नो कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर लीव ट्रैवल अलाउंस है, आपने कभी ट्रैवल किया हो और आपको उसमें छूट पाना चाहते हो तो आप यस आर नो के ऊपर कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। ठीक है, मेरे लिए नो होता है इसलिए मैंने आर यू एलिजिबल क्लेम एनी अदर एग्जेंप्शन, मेरे लिए और कोई क्लेम नहीं है, कर देता हूँ और यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, ये भरने से भरते समय आपको ध्यान से भरना है, यस आर नो के ऊपर क्लिक कर देना है। देखो अभी मैंने यहाँ पर 2400 डाला था, यहाँ पे एग्जेम्प्ट अलाउंस यहाँ पे 2400 मुझे मिल गया है। ठीक है, तो 2400 माइनस होने के बाद में जो मेरी जो ग्रॉस सैलरी हमको मिली थी ग्रॉस सैलरी उसके 2400 माइनस हो गए हैं, तो अभी हमारे पास नेट सैलरी इतनी आ गई है। ठीक है, अब नेट सैलरी से आपको देखना स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट 2500 या किसी के 2000 भी कटते हैं, तो आप वहाँ पे चेक करना, जिसके 2500 हो तो 2500 माइनस हो जाएंगे, ये ऑटोमेटिक आता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ से नेट सैलरी से ये 52,000 माइनस होने के बाद में मेरे पास कितना बचा, 252,787 रुपये बच गए। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर भी थोड़ा रुक जाइए। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, बहुत सारे लोग क्या है छुपाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, लेकिन पहले चल जाता था लेकिन अभी ऑटोमेटिक यहाँ पर शो होता है, जो आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट है जो आपको इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पर ऑटोमेटिक शो होता है, और वो जो नेट सैलरी है टोटल इनकम है उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमको मिल गया है। ठीक है, तो जो हमारा इनकम इसमें ये जो पैसे है 395 रुपये उसमें ऐड होकर हमारे ग्रॉस टोटल इनकम अब इतनी हो गई 253,182 रुपये। ठीक है, अभी ये हमारा टैब हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे दो टैब हो गए कंप्लीट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये जो ग्रीन टैब लग गया है आप देखो यहाँ पे ग्रीन लग गया है दोनों जगह, अब नीचे में देखोगे तो ग्रीन कुछ भी नहीं है। अब हम लोग टोटल डिडक्शन का टैब हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब टोटल डिडक्शन में क्या है दोस्तों, यहाँ पर भी ये जो फिलिंग यस आर नो करते समय आपको ध्यान से पढ़ना है। डिडक्शन फॉर डोनेशन, आपने कहीं डोनेशन दे दिया है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। फिर डोनेशन अगर आपने दे दिया है तो आपको बहुत सारी जानकारी आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर नो, साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने दिया है यस आर नो, नो। ये जो क्लेम फॉर डिडक्शन 80GG दोस्तों हो, ये 80GG जिनके लिए लागू होता है वही भर सकते हैं, आपके लिए नहीं है। अधिकतर जो सैलरीड पर्सन है रेलवे कर्मचारी उनके लिए नहीं लागू होता है। ठीक है, ATC दोस्तों लगभग सबके लिए लागू होता है। ATC में क्या होता है कि जैसे कि आपकी LIC आती है, बच्चों की चिल्ड्रन फीस आती है, PF आता है, PPF आता है, यहाँ पे ATC में आता है। लेकिन दोस्तों इसकी जो लिमिट है 1.5 लाख की है, आप चाहे यहाँ कितना भी छूट ले लो आपको 1.5 लाख तक की छूट मिल जाएगी। ठीक है,
तो ATC का जो सेक्शन है हमको 270 रुपये यहाँ पर ऐड होकर आए हैं, ठीक है। तो ये हमारा आपके इनकम टैक्स फॉर्म में देखना है, ATC में वो सही है तो यहाँ पर एस कर दीजिए, ठीक है। ATCD जो 2 है ये हमारा NPS का है, तो आंकड़े दोस्तों चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, ये भी सही है तो इसलिए हमारा यस है। यहाँ पर जो डिडक्शन है मेडिकल इंश्योरेंस का, यदि आपके लिए लागू हो तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। अगर यस करते हो तो बहुत सारी आपको जानकारी यहाँ पर देनी पड़ेगी, फैमिली कहाँ है, ये आपके मदर फादर के साथ है, बच्चों के साथ है, ठीक है, ये हायर एजुकेशन के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे हो और आपने कहीं लोन लिया हो हायर एजुकेशन के लिए, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आप शो कर सकते हो, हमारे लिए नो है इसलिए नो, ठीक है। और दोस्तों ATTA जो सेविंग बैंक अकाउंट के लिए हैं, यदि आपको इंटरेस्ट मिलता है और आप उसको डिडक्शन लेना चाहते हो तो और आप यहाँ पर एस कर दीजिए, ठीक है। तो आपको वहाँ पे एग्जाम इनकम आप अदर सोर्सेस में भी डालना पड़ेगा और यहाँ पे भी डालना पड़ेगा उसको, मतलब दोनों जगह दिखाना पड़ेगा तब जाके उसकी आपको छूट मिलती है, हमारे लिए नो है इसलिए यहाँ पे हमने नो कर दिया है, ठीक है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, अभी नो है इसलिए हम लोग यहाँ पे नो करेंगे। अभी यहाँ पर कुछ टैब आते हैं, इसको भी यहाँ पर चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी हमने ATC और ATCD2 देखा है लेकिन ATCD1 नहीं देखा था, तो दोस्तों आप आपके फॉर्म में देख लेना, ATCD1 जो है उसका 37,065 लिखा हुआ है, हमारे फॉर्म में बिल्कुल यही आंकड़ा है। आंकड़े कम ज़्यादा हो तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और यहाँ पर जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड अगर आपने लिया है और आपको इसमें से और भी कुछ डिडक्शन लेना चाहते हो और आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए और यहाँ पे आप जो भी फिगर है आपका वो डाल दीजिए, हमारे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं डालूँगा। बहुत सारे लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट का रहता है, बहुत सारे लोगों का हैंडीकैप का रहता है, बहुत सारे लोगों का नया इलेक्ट्रिकल व्हीकल का रहता है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी का रहता है। तो देखो यहाँ पे सब टैब है, क्या आपने अगर लोन लिया हो उसका इंटरेस्ट देना चाहते हो तो उसके लिए है, तो वो भी यहाँ पर है, आप यहाँ पर आराम डाल सकते हो फिगर, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ लोडिंग चल रहा है। अभी हमारा डिडक्शन का टैब हो गया कंप्लीट और ये सब डिडक्शन हमारे पास आ गए हैं, अभी हमको नए से कुछ नहीं डालना है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर फिगर बता रहा है टोटल डिडक्शन 73,419 रुपये, ठीक है। हमारा जो टोटल डिडक्शन यहाँ पर आ गया 73,419, तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसको कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। अब कंफर्म करने के बाद में दोस्तों ये भी डिडक्शन का टैब हमारा हो गया कंप्लीट। अब कंप्लीट होने के बाद में क्या है, टैक्स पेड का टैब है यहाँ पर, जो हमने टैक्स गवर्नमेंट को कितना पेड किया है, यदि आपने पेड किया होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, ठीक है, नहीं किया होगा तो यहाँ पर 0 आएगा। यदि आप टैक्स पेड करते हो तो यहाँ पर लिखा आता है जो भी आपने टैक्स पेड किया, इन केस में जो है नहीं है इसलिए 0 है, इसलिए मैं भी यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमारे 4 टैब हो गए कंप्लीट, ठीक है। अभी ये हमारा 5वां टैब, हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ग्रॉस टोटल इनकम दोस्तों कंपटीशन आ गया 253,182 रुपये, उसमें से डिडक्शन हो गया 73,419 रुपये। ठीक है, तो टोटल इनकम हमारे पास आ गई कितनी, 179,760 रुपये। अब हम आगे बढ़ते, इसको हम लोग कंफर्म करने वाले हैं।
ठीक है। अब कंफर्म करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास कोई टैक्स भी नहीं है और हमारे पास कोई ना हमारे ऊपर आया है ना हमको देना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर अभी क्या है, यू नीड टू मेक अ पेमेंट जीरो, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम दिखा रहा है, यहाँ पर डिडक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे टैक्सेबल इनकम दिखा रहा है, ठीक है। अभी हमको क्या है, अमाउंट पेएबल दिखा रहा है। तो यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। जिसका भी नाम हो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेल्फ लिख लेना है, आप भर रहे हो, यहाँ पर आपका सिटी डाल देना है, ठीक है। सिटी डालने के बाद में यहाँ पर प्रीव्यू कर देना है, ठीक है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर प्रीव्यू कर दोगे तो आपका, जैसे कि मैं यहाँ पर प्रीव्यू बता देता हूँ आपको, जैसे मैं डालता हूँ ये मैंने डाल दिया है, ठीक है। सिटी प्लेस डाल प्रीव्यू, ठीक है। और ये इस तरह से डाउनलोड के लिए आपको ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ पे इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। मुझे डाउनलोड नहीं करना है इसलिए मैं अभी यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, प्रोसीड टू वैलिडेशन करूँगा। अब यहाँ कुछ एरर आते हैं, क्या आते हैं देखो, वैलिडेशन कम्प्लीट टू एरर फाउंड। तो दोस्तों यहाँ पे दो एरर आते हैं, अगर मान लो आपसे मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ एरर बता देता है कि आपने कहाँ सिलेक्ट नहीं किया है, तो प्लीज़ सिलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन। तो मैं पहले ही यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और देखो वो यहाँ क्लिक करने को बोल रहा है कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए, ठीक है। मैंने नो कर दिया, फिर नीचे आता हूँ और यहाँ पर भी वो बोल रहा है नो कर दीजिए, तो मैं यहाँ पर भी नो कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं फिर से वापस सेव कर देता हूँ इसको, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पे इसको वापस सेव कर दिया है और यहाँ पे कंफर्म कर दिया है, ठीक है। दोस्तों कंफर्म करने के बाद क्या हुआ, हमारे पूरे टैब हो गए कंप्लीट और हमने कर दिया इसको प्रोसीड, और यहाँ पे हमारा मेक अ पेमेंट अगर रिफंड हुआ तो यहीं पर आएगा, और आपके ऊपर पे निकल रहा है तो यहीं पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न अगर आपको करना हो तो आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने यहाँ पर टिक लगा देना है, यहाँ पर टिक लगा देना है और यहाँ पर सिटी नेम लिख लेना है, यहाँ पे सिटी नेम लिख लेना है, ठीक है। और ये प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देना है, ठीक है। प्रोसीड टू प्रीव्यू करने के बाद में डाउनलोड के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा, अगर आपको डाउनलोड करना हो तो आप यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज ऊपर नीचे से ऊपर के ओर स्क्रॉल करके प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अभी वैलिडेशन सक्सेसफुल, ठीक है। दोस्तों जो हमारी दो गलतियाँ हुई थी अभी हमने उसको कंप्लीट कर दिया है और वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड टू, दोस्तों हो वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर बता रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों नोट लिखा रहा है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको नीचे ध्यान देना, ई वेरीफाई किसके ऊपर करना है, कैसे करना है। तो दोस्तों हम लोग आधार ओटीपी से करेंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा है इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन वाया आधार ओटीपी। तो दोस्तों इसलिए हम लोग पहला ही ऑप्शन ई वेरीफाई का सिलेक्ट करने वाले हैं और यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया, फिर एक ओटीपी के लिए ऑप्शन आएगा, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर विथ आधार। तो ये दोस्तों पहला ही ऑप्शन है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे और दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, नीचे से ऐसा, यहाँ ऐसा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर थोड़ा स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एग्री का, तो यहाँ पे टिक लगा देना है, टिक लगा देना है और जनरेट आधार ओटीपी पे ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे 6 अंकों का ओटीपी आ जाएगा, ठीक है, 6 अंकों का ओटीपी आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ओटीपी आपको
डाल देना। तो दोस्तों इस तरह से आपके पास OTP आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, वैलिडेट कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैं वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो वैलिडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे सबमिट करोगे तो ये देखो क्या आया ऑप्शन, यू हैव सक्सेसफुल फील्ड वेरीफाइड यूअर रिटर्न। ठीक है, और यहाँ पे आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा ITR फॉर्म जो है, इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म आपको भरा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।